सर्दियों में आपकी दही आसानी से जम जाती है क्या? अगर नहीं तो इस टिप को देख लीजिएगा, आसानी से जमने लगेगी हर बार। दही को जमाने के लिए ना उसका टेम्परेचर का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए। तेज गर्म दूध में दही डालेंगे ना तो फट जाएगी। सर्दियों में ना एक लोटा दूध आप इसे समझ लीजिए 1/2 kg, और इसमें 1 चम्मच जावन का यूज करती हूँ मैं, और इसके बाद में इस गर्म दूध को उछाल देती हूँ। दूध बहुत तेज गर्म नहीं है, इतना कि बस मेरी फिंगर को सहन हो रहा है। दही को कवर करने के लिए ना मैं यूज करती हूँ इस ब्लैंकेट को। ये वो ब्लैंकेट है जब बच्चे मेरे छोटे थे और इस ब्लैंकेट को यूज करते थे। अब ये यूजलेस है तो इस तरह से मैं इसे यूज कर लेती हूँ। और बस अब इस लोटे को मैं कवर कर दूंगी चारों तरफ से। 5 से 6 घंटे ना सफिशियंट है इस दही को जमने के लिए, और इसे मैं रखती हूँ अपने माइक्रोवेव में। आपकी भी दही सही से नहीं जमती ना तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, और हाँ जमने लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। क्या आपके बच्चे भी मेथी, धनिया, बथुआ, पालक खाना पसंद नहीं करते? पिज्जा, बर्गर, बाहर की चीजें कितने भी खिला लो, स्मार्ट हो गए हैं बच्चे। बट कोई बात नहीं, हम मदर्स कौन सा कम स्मार्ट हैं? देखिए लीफी वेजिटेबल्स को किस तरह से बच्चों को खिलाते हैं। कच्चे मेथी को ना आटे में मिक्स करके साथ ही में डाला है नमक। मेथी के पराठे नहीं बना रही हूँ। इस तरह से कभी ट्राई किया है क्या? नहीं तो एक बार करके देखेगा, दोबारा मांग मांग कर खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जिस तरह से एक रोटी का डो बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसका डो बना लीजिए। यहाँ एक बाउल में क्रश कर लिया है मैंने पनीर को भी, साथ में ऐड किया है बारीक कटा हुआ अनियन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और चिली फ्लेक। चाहो तो आप इसमें हरा धनिया मिक्स कर लीजिए, मसाले आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। जो डो तैयार किया था ना उसकी एक पतली सी और बड़ी सी रोटी तैयार कर लीजिए। ध्यान दीजिए क्या बोला है, पतली सी और बड़ी सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों। और इसके सेंटर में स्क्वायर शेप में फिल कर दीजिए अपनी स्टफिंग को, फैला करके फिल करना है स्क्वायर शेप में। बच्चों का फेवरेट बनाने के लिए ना मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ कुछ कॉर्न्स, क्योंकि कॉर्न देख करके मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और बस चारों ही तरफ से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है ना, आपको इसको स्क्वायर शेप में कवर करना है, और इस तरह से कवर करना है कि ये सारा ही पार्ट ढक जाए जितनी भी आपने स्टफिंग की है। अगर मेरी तरह थोड़ा सा पराठा कम बचा हो ना तो आप इसे थोड़ा सा हल्का सा अपने हाथ से बढ़ा दीजिए, हल्के हाथों से ना बस दबा दीजिए जिससे कि ये चिपक जाए, कहीं नहीं जाने वाला, कोई ग्लू की जरूरत नहीं यहाँ पर आपको। तवे पर लगाइए बटर, घी या ऑयल, जो भी आप प्रेफर करते हैं, और कुछ ही सेकंड में बनने वाली है आपका ये आटे का सैंडविच कह लीजिए, पैटी कह लीजिए, वो आपकी इच्छा। बस अब आपको इसे अलटते पलटते ना अच्छे से सेक लेना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक चीज का ध्यान रखिएगा, रोटी अगर पतली भी लेगी ना तो आपका ये बहुत अच्छे से सिकेगा। चारों ही तरफ से ना एजेस बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, हल्का सा ना प्रेस करिएगा जिससे कि जो एजेस है ना वो भी बहुत अच्छे से सिक जाए। और बस कट कर लीजिए इसे अपनी मनचाही शेप में, इस तरह से सर्व करिए, और फिर देखिए आपके बच्चे मेथी, पालक, बथुआ कैसे नहीं खाते। कुछ भी मिला के खिला दीजिए, सब कुछ खा लेंगे। दूसरा तरीका, मेथी वाले डो में ना पनीर की स्टफिंग फिल करके पराठा बना लिया है, आधा कट इसलिए किया है बच्चों को ना शेप थोड़ा डिफरेंट लगती है। अब इस पर रख दिया है कॉर्न, और इस तरह से हाफ फोल्ड करके दे दिया है, घी लगा दीजिए अच्छा सा, और बस दे दीजिए। देखिए कैसे नहीं खाते बच्चे मेथी के पराठे। विंटर्स में ना बहुत बार लंच या डिनर में भी हम पराठे बनाना प्रेफर करते हैं, जो दही या चटनी के साथ वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। पराठों के साथ इस दही को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं डालती हूँ इसमें ये होममेड मसाला। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं इस मसाले को। तवे को गैस पर गरम कर लीजिए, और गरम करने के बाद उस पर डालिए जीरा। और हाँ, जीरा डालने के बाद ना गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा, और इसे धीरे धीरे चम्मच से हिलाते हुए ना हल्का सा ब्राउन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा काला मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता।
और हाँ, गैस को बचाना होना तो मेरी तरह ये टिप फॉलो कर लीजिएगा, गैस को पहले बंद कीजिएगा और बंद करने के बाद भी ना तवा बहुत देर तक गर्म रहता है उसको धीरे धीरे हिलाइएगा, जीरा ना अपने आप भुन जाएगा। गैस की बचत तो होगी ही, जाने अनजाने में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे ना हम अपनी छोटी छोटी सी सेविंग कर लेते हैं। इस तरह से बस इसे तवे पर से उतार लीजिए और खलबत्ते की मूसली से ना किसी भी प्लेट में इसको हल्का हल्का सा क्रश कर लीजिए। बहुत ज्यादा बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना है, फाइन पेस्ट हल्का सा दरदरा रखिएगा। इसे कर लिया है मैंने कांच के बाउल में, इसमें ऐड किया है मैंने ब्लैक सॉल्ट और साथ में व्हाइट सॉल्ट दोनों ही, क्योंकि दही में ना फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की आपको जरूरत ही नहीं। इसके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए आप इसमें पुदीना पाउडर और चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, दही का जायका बढ़ जाएगा। सर्दियों में ना सुबह के टाइम जब नाश्ता खाना लंच सारा ही एक साथ बनाना होता है ना, तो एक कैसा लगता है गैस चल ही नहीं रही है ना। आप लोगों के साथ में भी होता होगा ना ऐसा। ऐसे में सब्जी को जल्दी पकाना हो तो देखिए इस तरह का लिड का यूज मत कीजिए, क्योंकि सब्जी है कम और लिड ऊपर रखा हुआ है, कढ़ाई है बड़ी। स्टीम जल्दी से बने और खाना अच्छे से कुक हो तो आप इस तरह के लिड का यूज कीजिए। अगर इस तरह का लिड नहीं है तो आप इस तरह से प्लेट को भी ढक सकते हैं। एरिया कम हो गया, स्टीम ज्यादा बनेगी जो कि आपकी सब्जी को ना जल्दी से पकने में हेल्प करेगी। सब्जी तो जल्दी बनेगी ही और गैस की भी बचत होगी। तो हुआ ना ये एक पैसा वसूल टिप। विंटर्स में ना ये नए आलू छुटके वाले आते ही हैं, जिन्हें हम जनरली उबाल करके पराठे या कोई भी डिश बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट इनके साथ में ना एक प्रॉब्लम है, अगर आपने आलू को बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया ना तो फिर ये आपके काबू में आने वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं छिलेंगे। मेरी तरह अगर आपके हाथों में भी इनका छिलका ना चिपकता है, अच्छे से उतरता नहीं, तो इस तरह के नाइफ का यूज करिए, बहुत ही इजीली आपके आलू छिल जाएंगे। सर्दी का ना टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि गर्म आलू को हाथ में पकड़ने के बाद भी ना ये नहीं पता चल रहा कि ये गर्म है या ठंडा। सुबह सुबह का टाइम है, गर्म गर्म इन्हें छील लेंगे तो ये आसानी से छिल जाएंगे, बट जहां आपने इन्हें ठंडा कर दिया ना तो बस आपकी शामत आने वाली है, आप घंटों लगा देंगे आलू नहीं छिल पाएंगे। और हाँ, इन्हें क्रश करना हो ना तो वो भी गरम गरम में ही कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मुश्किल तो होगी ही होगी, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए फिर मिलती हूँ इसी तरह के नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर प्रेस करेगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं दस्तक खुद दे दूंगी।